हेलो गाइस, मैं हूं जेसन रवि। वेलकम बैक टू समरी ऑफ सिनेमा, योर वन स्टेप चैनल फॉर एवरीथिंग ऑन मूवी, सीरीज एंड एंटरटेनमेंट। आज हम बात करने वाले हैं पांच ऐसे जबरदस्त हिंदी वेब सीरीज के बारे में जो आपको Amazon Prime पे देखने को मिलेंगे। लेट्स डाइव राइट इन, स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 5। शुरुआत करते हैं PI मीना के साथ, जो एक यंग फीमेल प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर की स्टोरी है। लीड रोल में है तानिया मानिकताला, जो अपने पर्सनल और प्रोफेशनल स्ट्रगल्स को फेस करते हुए एक कॉम्प्लिकेटेड केस सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। सस्पेंस और मिस्ट्री के एलिमेंट्स भरपूर है। PI मीना की स्टोरी और कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ड्रामा में थ्रिल और सस्पेंस का वो सरप्राइज एलिमेंट थोड़ा मिसिंग है। डायलॉग्स काफी अच्छे है, बस वो बाइट थोड़ी सी और इम्पैक्टफुल होती तो मजा आ जाता। सिनेमाटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर डिसेंट है, लेकिन वो सस्पेंस का वाइब बिल्ड जरूर होता है। और IMDb रेटिंग है 6। अगर आपको इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर्स पसंद है, PI मीना जरूर चेकआउट करिए। अगली सीरीज है शहर लाखों, एक मिस्ट्री फिल्ड क्राइम ड्रामा। इसमें प्रियांशु पेन्यूली का कैरेक्टर अपने होम टाउन लाखोट में 10 साल बाद वापस आता है, लेकिन यहाँ कुछ भी वैसा नहीं है जैसे दिखाई देता है। मर्डर, ब्लैकमेल, पॉलिटिक्स और ग्रजेस, सब कुछ मिक्स है। शहर लाखों की कहानी में रॉ और ग्रिटी वाइब्स है, जो कैरेक्टर के अर्ली डायलॉग्स और उनके एक्सप्लेटिव से और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। कैमरा वर्क डस्टी टाउन और डेंजर को ब्यूटीफुली कैप्चर करता है, जो ड्रामा के टोन को एलिवेट करता है। नवदीप सिंह का डायरेक्शन यहाँ कैरेक्टर्स और पॉलिटिक्स को सीमलेसली मर्ज करने में बहुत अच्छे से सफल होता है। क्या वो अपने पास के साथ डील कर पाएगा? IMDb रेटिंग है 6.7। अगर आपको कंस्पिरेसी और थ्रिलर का कॉम्बो पसंद है तो शहर लाखों आपके लिए परफेक्ट है। नेक्स्ट अप, बम्बई मेरी जान। ये ग्रिटी क्राइम ड्रामा है जो हमें 1947 के बाद का बॉम्बे दिखाता है। क्राइम और लॉ के बीच की कॉन्स्टेंट टिफ में KK मेनन एक ऑनेस्ट कॉप का रोल प्ले करते हैं, जो अपने परिवार को इस क्रिमिनल वर्ल्ड से बचाने की कोशिश में लगा है। इस शो की सिनेमाटोग्राफी आउटस्टैंडिंग है और फ्रेम्स इतने सोच समझ के बनाए गए हैं कि हर सीन में एक स्टोरी कहने का एलिमेंट है। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर परफेक्टली फिट होते हैं और टेंस मोमेंट में रैप और चेस सीन्स में शेकी फ्रेम्स का यूज थ्रिल को और भी हाई बना देती है। डायरेक्टर सौदागर की डायरेक्शन और स्टोरी टेलिंग यहाँ एक इमोशनल और इंटेंस टोन सेट करने में फ्लॉलेस है। IMDb पे इसे 7.4 रेटिंग मिली है और ये स्टोरी रॉ और इमोशनल है। अगर आपको इंटेंस क्राइम ड्रामास पसंद है तो ये आपके वॉचलिस्ट में होना चाहिए। हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर पर है कॉल मी बिल, जिसमें अनन्या पांडे प्ले करती है बेला चौधरी का रोल, एक फॉर्मर हायरेस जो अब पूरी तरह से ब्रोक हो चुकी है। अपने स्ट्रीट स्मार्ट्स और थोड़ी स्टाइल के साथ मुंबई की न्यूज रूम में अपना रास्ता बनाती है और नए रिश्ते एक्सप्लोर करती है। इस शो के सैसी डायलॉग्स और जेन ज़ी वाइब को परफेक्टली कैप्चर किया गया है। सॉन्ग्स और बैकग्राउंड स्कोर परफेक्टली मूड के हिसाब से सेट किए गए हैं। शो के कॉस्ट्यूम्स भी बड़े सेल्फ अवेयर है, मेटा रेफरेंसेस और यूनिक डिटेल्स के साथ बे के कैरेक्टर को और भी ज्यादा लाइवली बना देते हैं। डायरेक्टर डी कन्हा की स्टेडी डायरेक्शन ड्रामा को फन और एंगेजिंग बनाए रखती है, जो इसके पर्पस को और भी हाईलाइट करती है। ये एक लाइट हार्टेड ड्रामा है जिसमें IMDb पर 6 रेटिंग मिली है। अगर आपको क्वर्की कैरेक्टर्स और मुंबई की ग्लैम लाइफ देखनी है तो कॉल मी बे आपके लिए मस्ट वॉच है। और फाइनली हमारी टॉप पिक है सिटाडेल हनी बनी। ये एक्शन पैक सीरीज में वरुण धवन और समांथा प्रभु लीड रोल्स में है। वरुण का कैरेक्टर बनी एक स्टंटमैन है, जो अपने पिछले सालों में हनी एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस को एक रिस्की साइड गिग में ले आता है, लेकिन अब उनका वो पुराना डेंजर वापस आ गया है और उन्हें अपनी बेटी को बचाने के लिए एक होना पड़ता है। सिटाडेल में डायलॉग्स फुल ऑन पॉप कल्चर रेफरेंसेस से भरे हुए हैं, जो इसके पल्पी और थ्रिलर वाइब्स को सूट करते हैं। एक दो वन टेक एक्शन सीक्वेंसेस भी काफी अच्छे से कोरियोग्राफ किए गए हैं। कैमरा वर्क के थ्रू इमोशंस को भी कैप्चर करता है। राज और DK ने एक जेनरिक स्टोरी को अपने स्टाइल में नए ट्विस्ट के साथ इन्फ्यूज किया है, जो इस एस्पियोनाज थ्रिलर को और भी एंगेजिंग और एंटरटेनिंग बनाते हैं। IMDb पे इसकी रेटिंग है 6.5। अगर आपको एक्शन और थ्रिलर्स पसंद है तो सिटाडेल जरूर देखना। तो ये थे टॉप 5 हिंदी वेब सीरीज जो आपको Amazon Prime पर देखने को मिलेंगे। हर सीरीज में अलग जॉनर का तड़का है, एक्शन, ड्रामा, थ्रिलर और सस्पेंस। आपको कौन सी सीरीज सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फॉर मोर सच रिकमेंडेशंस मिलते हैं अगले वीडियो में।